हेलो एवरीवन, आई के शर्मा फ्रॉम निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी सेंटर के बाहर है, डिप्लोमा का पेपर अभी फिनिश हुआ है। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ में है, उनसे बातचीत करते हैं कि यार पेपर का रिव्यू करते हैं, किस टाइप का ये पेपर रहा। मेरे पास में चार स्टूडेंट हैं। फर्स्टली तो नेम क्या है आपका? सर जय सिंह। आपका नेम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र। कुमार। दिनेश कुमार। ये चार स्टूडेंट हैं, अभी डिप्लोमा का पेपर इन्होंने दिया है। तो अगर सर अपन पेपर की बात करेंगे, अभी जो लास्ट ईयर जो पेपर रहा था उसके हिसाब से पेपर आपके हिसाब से कैसा था? सेम वैसा ही पैटर्न था, केवल इसमें जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल था वो थोड़ा हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था, और जो टेक्निकल था उसमें दो चार ही क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी इजी था। मतलब पहले के कंपैरिजन में बात करें तो पेपर थोड़ा सा टफ था या फिर उसी लेवल का था? उसी लेवल का था। अच्छा, उसी लेवल का। अच्छा, जीके वाइज अपन बात करें तो यार इस बार जैसे RSSB ने पॉलिटी भी ऐड किया, पॉलिटी के क्वेश्चंस ठीक थे या फिर कैसे हो रहे थे, ना हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे? पॉलिटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से निकला हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। अच्छा था। ज्योग्राफी का पोर्शन कम कर रखा था। ज्योग्राफी थोड़ा कम था, थोड़ा कम था, उन्होंने पॉलिटी डाल दिया और आर्ट एंड कल्चर जैसे कि न्यूमेरिकल दिए थे उसमें 203 होता है, किसी ने अटेम्प्ट करे न्यूमेरिकल तो। और जैसे कि सब्जेक्ट वाइज पेपर BMC वगैरह, ये था BMC तो इजी थी, और GK का पोर्शन भी थोड़ा मतलब इजी था, टेक्निकल मॉडरेट टू हार्ड। आपके हिसाब से नॉन टेक्निकल पोर्शन थोड़ा सा इजी था और नॉन टेक्निकल इजी था? नॉन टेक्निकल इजी था, टेक्निकल थोड़ा सा टफ था। हाँ, टेक्निकल फेयर एक कंपेरिजन। ठीक है। अच्छा, अपन जैसे अटेम्प्ट वाइज बात करें कि यार कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, तो कितने अटेम्प्ट थे सर? नॉन टेक का वही 50% रहा होगा और बाकी का 90% टेक्निकल। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जैसे अपन? मैंने नॉन टेक्निकल में 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक, आपने कितने अटेम्प्ट किए? ओवरऑल आपने 92 अटेम्प्ट किए। अच्छा, जैसे अभी इस साल नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुआ है और लास्ट टाइम की आपने कट ऑफ भी देखी है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए इस पेपर के हिसाब से? इस पेपर के हिसाब से लगूंगा वो 70 के आसपास कट ऑफ हो जाए। आपको क्या लगता है कट ऑफ के बारे में, क्या आइडिया लगता है? कट ऑफ तो वो काफ़ी ग्रेवी इस बार, क्योंकि टेक्निकल का पोर्शन पिछली बार की वजह थोड़ा हार्ड था। अच्छा, और 1/3 है माइनस मार्जिन, तो 70 से 80 के समथिंग रहना चाहिए। आपका क्या व्यू लगता है, मतलब कट ऑफ के अराउंड 75 के अराउंड? 75 70 80 के अराउंड। ओके। अच्छा, जैसे अपन समरी वाइज बात करें तो लास्ट टाइम के कंपेरिजन में पेपर थोड़ा सा टफ था और नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो कट ऑफ है वो भी कहीं कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पेपर है इसका हम लोग सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। शाम को 5 बजे से ये पूरा का पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, तो आपको भी किसी क्वेश्चंस का आंसर देखना हो, फिर पूरा सॉल्यूशन चेक करना हो, तो आप निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.